चीका मंडी के अंदर आया हूँ। आपने देखा कि जिंदल साहब गेहूं की बोरी उठा रहे थे, आज ये बोरियां उठने के इंतजार में हर मंडी के अंदर लाखों लाखों बोरी गेहूं की पड़ी हुई है। ऊपर से बरसात और नीचे से अनाज नहीं उठ रहा। किसान खेत से अनाज उठा के मंडी तक नहीं ला पा रहा पूरा, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं है। मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हुई हैं अनाज भर के, और जब मंडी में जगह नहीं मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे, ना बारदाना मिल रहा। आवाज तो है अनाज की, परंतु खरीदारी जीरो होती जा रही है। किसान क्या करे? किसान सिर्फ नुकसान उठा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15 लाख टन क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। जब कई दिन बाद नंबर आता है तो अडानी के कर्मचारी दसियों किस्म की उसमें कमी निकाल देते हैं गेहूं के अंदर, कि भाई क्या करें। कभी क्वालिटी खराब कहते हैं, कभी दाना छोटा कहते हैं, कभी उसके अंदर झाड़ कहते हैं, कभी नमी कहते हैं। फिर किसान ओने पोने भाव पे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। पहले तो कुदरत की मार, और फिर सरकार कोई मार मारने में कसर नहीं छोड़ रही है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।